शहर को नशा मुक्त बनाने का नागपुर पुलिस का सपना कब पूरा होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शहर में छुपते छुपाते एमडी ड्रग्स की बिक्री चलती रहती है। ऐसे ही ओम कॉलोनी से 3 आरोपियों को एमडी ड्रग्स की बिक्री करते हुए पकड़ लिया गया, जिनके नाम सैयद राजिद सैयद अकील और सैयद साजिद सैयद अकील, साथ ही मोहम्मद सलीम उर्फ सोनू नौटी अवलिया नगर ताजबाग निवासी इस प्रकार से बताई गई। इस कार्रवाई में कुल 6,21,000 का माल बरामद किया गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। तो हमारे अमली पदार्थ विरोधी दस्ता जो है वो गश्त कर रही थी, तो हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन हद में 2 संशयास्पद आरोपी हमको वहां पे मिले और उनके वो लोग यही काम करते एमडी का करके हमको खबर भी थी, तो उनके ऊपर हमने वॉच रखा। ये 2 लोग आने के बाद हमने उनका सर्च लिया, तो उनके पास ये दोनों सगे भाई थे, उनके पास से 52 ग्राम एमडी पाउडर मेफेड्रोन पाउडर जब्त किया हुआ है। और उनका बाद में हमने तपास किया, उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने एक ताजबाग में रहने वाला सोनू नौटी सैयद नाम है मोहम्मद सैयद, उसके पास से ये लिया करके बताया। उसको भी हमने ताबे में लिया। तो ये जो मोहम्मद सैयद है ये ऑटो चलाने का काम करता है और जिसके पास एमडी पाउडर रहता है उसके पास से लेके अवेलेबल करके देता है, एक एजेंट के तरह वो काम करता है, उसको भी अरेस्ट किया है। ये सभी आरोपियों से हमने 52 ग्राम एमडी पाउडर और उसी के साथ में 2 दोपहिया वाहन और गाड़ियाँ और 3 मोबाइल, ऐसा करीबन 6,21,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। हमारे DCP सर राहुल माकनिकर सर, ACP अभिजीत पाटिल सर, इनके मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की है। इसमें मैं और मेरे साथ में जो NDPS पथक है और यह जो मेन काम करने वाले है खबर वो रोहित कालेकर के, उनकी खबर थी उसके ऊपर ये पूरा वर्कआउट किया है। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।